नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ढोल नगाड़ों के साथ गुरुवार को दो दिवसीय दौरे पर यूएई पहुंच गई, मगर उनकी अगवानी करने के लिए यूएई का कोई मंत्री या अफसर एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाया। कुरैशी काफी देर तक एयरपोर्ट पर अपने स्वागत का इंतजार करते रहे। बाद में पाकिस्तान दूतावास के अधिकारियों ने कुरैशी को रिसीव किया और अपने साथ लेकर चले गए। यह एक तरह से यूएई की पाकिस्तान से नाराजगी को दर्शाता है। यूपी इन जाइलों की इस तरह की बेइज्जती होती रहती है। पाक प्रधानमंत्री इमरान खान तो ऐसे अपमान के आदि हो चुके हैं। अमेरिका समेत सऊदी अरब और यहां तक कि चीन भी इमरान की ऐसी बेइज्जती कर चुका है। अक्टूबर 2019 में इमरान चीन की यात्रा पर गए थे तो उनकी आगवानी के लिए चीन ने म्युनिसिपलिटी के कर्मचारी को भेजा था। शाह महमूद कुरैशी इसी साल अगस्त में चीन गए थे तो तब उन्हें लेने चीन का कोई बड़ा अधिकारी नहीं आया था। पर सवाल इन लगातार हो रही इन जाहिलों की बेइज्जती का नहीं है। भारत से बेइज्जती कराकर ही यह पाकिस्तान भागे थे और भारत से चार चार युद्धों में हारकर इन्होंने ऐतिहासिक बेइज्जती कराई है। सवाल यही है कि कुरैशी यूं ही क्यों भागे हैं? अगर वह पाकिस्तान के लिए भीख मांगने गए हैं तो इसकी संभावना पूरी तरह खत्म हो चुकी है। यूएई द्वारा पाकिस्तान के वर्क वीजा पर यूएई की रोक हटवाने की कोशिश है तो इसकी उम्मीद भी न के बराबर है। भारत यूएई के बढ़ते आर्थिक रक्षा संबंधों में सेक लगाने के ख्वाब पाले हैं तो उसकी कल्पना करना पूरे पाकिस्तान को छोड़ ही देना चाहिए। अब इन जाहिलों की सुनने वाला कोई नहीं है। सिर्फ सुनना ही नहीं चाहते बल्कि इनकी सूरत देखने से ही दुनिया परहेज करने लगी है। दरअसल इस वक्त पाकिस्तान अपनी विदेश नीति में नए बदलाव लाकर परिस्थिति को अपने पक्ष में करने की रणनीति बना रहा है। वह एक ऐसे पैंतरेबाजी पर आगे बढ़ रहा है जिसमें भारत को पटखनी देकर खाड़ी देशों और अमेरिका को भी खुश कर सके। अपनी इसी पैंतरेबाजी को अमली जामा पहनाने के लिए पाकिस्तान ने एक बड़ी प्लानिंग तैयार की है। पाकिस्तान के जाहिल हुक्मरानों की इस चाल को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाने की जरूरत है। इसी साल सितंबर महीने में यूएई और इजराइल के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता संपन्न हुआ है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत हुई है। यूएई से तेल अवीव तक हवाई यात्रा का आगाज भी हुआ है। इसी शांति समझौते पर इमरान ने सबसे ज्यादा गर्मी खाई थी। लोंडे ने खुद को मुसलमानों का बड़ा सुल्तान मानते हुए यूएई की जमकर आलोचना की थी। इससे यूएई पाकिस्तान से नाराज हो गया। पिछले महीने यूएई ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए पाकिस्तानियों के वर्क वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया था। आपको बता दें कि यूएई में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी रहते हैं। इनके वर्क वीजा पर बैन होने से इन श्रमिकों के रोजगार पर भी गंभीर संकट खड़ा हो गया है। पाकिस्तान की बहुत कोशिशों के बाद भी यूएई अपना फैसला पलटने को तैयार नहीं है। ऊपर से यूएई ने 9-10 दिसंबर को भारतीय सेना प्रमुख एमएम नरवणे को आमंत्रित करके उनका भव्य स्वागत किया है, जिससे पाकिस्तान के तबेलों तक में खलबली मच गई है। इमरान खान ने यूएई की नाराजगी दूर करने के लिए 17 सितंबर को अपने विदेश मंत्री को दो दिवसीय दौरे पर भेजने की पटकथा तैयार की है। खास बात यह है कि यह दौरा आनंद फानन में हुआ है। इससे पहले तक कुरैशी की यूएई यात्रा का कोई कार्यक्रम नहीं था। जिस वक्त विदेश मंत्री कुरैशी इस्लामाबाद से निकल रहे थे, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट आरिफ अहमद भट्टी बड़ा खुलासा कर रहे थे। भट्टी के मुताबिक इजराइल को मान्यता देने के लिए इमरान खान के एक दोस्त लॉबिंग कर रहे हैं। इमरान के ये वही दोस्त हैं जिनके पास दूसरे देश की नागरिकता भी मौजूद है। पाकिस्तान में जहांगीर तरीन और जुल्फिकार जैसे ऐसे बहुत से टोपीबाज हैं जो दो देशों की सिटीजनशिप लेकर इन जाहिलों पर शासन चला रहे हैं। खुद इमरान खान ने भी यह स्वीकारा था कि उनके ऊपर भी इजराइल को मान्यता देने का भारी दबाव है। यह दबाव किसी और का नहीं बल्कि सऊदी अरब, अमरीका और यूएई का पाकिस्तान पर दबाव था। यानी इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने इस दबाव से मुक्ति का उपाय तैयार कर लिया है और इसी का निराकरण करने के लिए कुरैशी एक बड़ा तोहफा लेकर यूएई के दौरे पर गए हैं। पाकिस्तान ने खाड़ी देशों और अमेरिका को राजी करने के लिए अब इसी रास्ते को चुना है। जॉर्डन और सूडान पहले इजराइल को मान्यता देकर मुस्लिम देशों में उसकी स्वीकार्यता बना चुके हैं। पाकिस्तान महसूस करने लगा है कि जिस तरह खाड़ी देश इजराइल के करीब जा रहे हैं उससे वह अलग थलग पड़ सकता है। ऐसे में यह सही मौका है कि वह भी इजराइल को स्वीकार करके सऊदी अरब और यूएई की नाराजगी दूर कर दे, साथ ही अमेरिका से अपनी पीठ थपथपाने का सौभाग्य भी प्राप्त कर ले। परंतु इस तमाम पैंतरेबाजी में ईरान पाकिस्तान के लिए बड़ी समस्या है। पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते पिछले कुछ महीनों में थोड़े मधुर हुए हैं। ऐसे में वह इजराइल को मान्यता देता है तो ईरान का अपर्सन होना लाजमी है। बताया जाता है कि इसकी जिम्मेदारी खुद इमरान खान उठाएंगे। वह ईरान को अपनी मजबूरियां बताकर रिश्ते खराब होने से बचाने की कोशिश करेंगे, जिसमें चीन भी उसकी मदद कर सकता है। आपको बता दें कि इजराइल और चीन के बीच संबंध ठीक ठाक रहे हैं। पिछले 3 साल में चीन ने इजराइल में भारी निवेश किया है। ऐसे में चीन भी पाकिस्तान इजराइल संबंधों के खिलाफ नहीं है। परंतु एक ऐसा सवाल जो हर एक भारत को आशंकित करता है वह यह है कि पाकिस्तान इजराइल के संबंध स्थापित होने से इनका भारत पर क्या असर पड़ेगा। आपको बता दें कि 90 के दशक में तानाशाह परवेज मुशर्रफ के कार्यकाल में खुद मुशर्रफ ने भी स्वीकारा था कि वह इजराइल से संबंध बनाना चाहते थे, मगर जनता के विद्रोह के डर से वह उन्हें आगे बढ़ाने से हिचकते रहे।
इन्हीं के कार्यकाल में पाकिस्तान के विदेश विभाग के कई अधिकारियों ने गुपचुप रूप से तेल अवीव की यात्राएं की थी। पाकिस्तान में उसी वक्त से राजनेताओं का एक वर्ग इजराइल से संबंध स्थापित करने की उम्मीदें करने लगा था। वजह यही थी कि इजराइल और भारत की दोस्ती को कमजोर करने के लिए रूस और इजराइल जैसे उसके खसम खास के बीच पाकिस्तान की एंट्री कराई जाए। यह दोनों ही देश भारत के सुख दुख के साथ ही रहे हैं। हथियारों से लेकर अपनी उन्नत टेक्नोलॉजी इन मुल्कों ने भारत के साथ साझा की है। पाकिस्तान रूस पर डोरे डालने में किसी हद तक कामयाब रहा है। इजराइल की तरफ से उसके दरवाजे हमेशा खुले रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के सामने अवरोध के रूप में उसकी अपनी घरेलू राजनीति रही है। बदले वैश्विक परिदृश्य में अब पाकिस्तान के लिए स्थिति ऐसा हो चुकी है। इजराइल से रिश्ते जोड़कर उसका मकसद यह भी है कि अपने पुराने मित्रों को किसी तरह खुश कर सके और इजराइल से रक्षा समझौता करके आधुनिक हथियार प्राप्त किए जाए। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि इजराइल किस तरह भारत पाकिस्तान के बीच सामंजस्य बैठा पाएगा, क्योंकि चुनौती केवल पाकिस्तान के लिए ही नहीं है, इजराइल को भी इन उलझे संबंधों की चुनौती से जूझना पड़ेगा। पाकिस्तान और इजराइल के बीच कूटनीतिक और आर्थिक रिश्तों से भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, परंतु यह उससे आगे बढ़े तो भारत के लिए मुश्किलें जरूर आ सकती है। हालांकि रूस पाकिस्तान संबंध भारत के लिए एक अच्छा उदाहरण हो सकता है, जहां रूस ने भारत के हितों के खिलाफ जाकर पाकिस्तान का साथ नहीं दिया है। यहां तक कि पाकिस्तान की बहुत गुहार के बावजूद उसने हथियारों का कोई सौदा तक उसके साथ नहीं किया है। इजराइल को भी कहीं ना कहीं रूस के पदचिन्हों पर चलकर पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ना होगा। कुरैशी की यूएई यात्रा के पीछे का मकसद बहुत ही जल्दी साफ हो जाएगा। साथ ही यह भी क्लियर हो जाएगा कि पाकिस्तान कितने दिनों में इजराइल से रिश्तों की घोषणा करता है, परंतु यह पूरी तरह निश्चित है कि अब पाकिस्तान के पास इस मामले में अधिक हिलावाली नहीं बची है। सऊदी अरब और यूएई पूरी तरह भारत के पाले में जा चुके हैं। यह तीनों ही देश मजबूत रक्षा संबंधों की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर पाकिस्तान ने कोई त्वरित कदम नहीं उठाया तो मामला उसके हाथ से निकल सकता है। इसका असर उसकी अर्थव्यवस्था समेत कूटनीतिक रिश्तों पर पड़ना भी लाजमी है। यूं भी इस वक्त पाकिस्तान के साथ चीन और तुर्की जैसे देश ही बचे हैं। इनमें चीन पाकिस्तान को हड़पने की नीति पर चल रहा है तो जबकि तुर्की पर अमेरिका ने प्रतिबंधों की शुरुआत कर दी है। इस गठजोड़ से दुनिया में पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ देशों के गुट के रूप में उभर रहा है। ईरान से ज्यादा नजदीकियां बढ़ने से अमेरिका उस पर और ज्यादा कुपित हो गया है। इन आशंकाओं को विराम देने के लिए पाकिस्तान के पास यही मजबूत विकल्प बचता है कि वह अमेरिका के आदेश को मानकर खाड़ी देशों की पूंछ पकड़ ले। वह जिस तरह इजराइल से रिश्ते बना रहे हैं और पाकिस्तान को इसके लिए सलाह दे रहे हैं, उनके सुर में सुर मिलाया जाए। अन्यथा यूएई ने वर्क वीजा बैन करके और सऊदी ने उधारी बंद करके जो झटका दिया है, वह कभी भी एक बड़े फटके के रूप में बदल सकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।